ये आदर्श नगर एरिया है, इसमें श्रीराम कॉलोनी आती है, फोर्थ क्रॉस है। यहाँ पर रंजीत शेट्टी करके, अभी उनके मीटर में साफ घुसा है और बंगलो तो ऐसे हैं सब, लेकिन आस पड़ोस में ऐसा जगह है। तो यहाँ पर घुनस करेत बड़े पैमाने में मिलते हैं हर साल। और एक हमारे दोस्त आ रहे हैं अमित करके, जो पुणे से है, बेलगाम के में 4 दिन आ रहे हैं। वे साहब मीटर में बंद है, सही है ना सर? मीटर के जो पानी का मीटर, हाँ वही 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 मीटर में है। नमस्ते, मैं अमित सुपटनकर पुणे से आया हूँ और चिट्टी सर का वीडियो हमेशा देखता रहता हूँ, स्नेक कैचिंग का वो और निर्जरा मैडम दोनों का। तो मैं मिलना चाहता था उनसे, अभी बेलगाम आया हूँ तो मैंने सोचा कि जरा थोड़ी जानकारी स्नेक्स के बारे में उनसे थोड़ी ले लूँ। और लाइव रेस्क्यू भी देखा जा रहा है, रेस्क्यू भी मुझे देखने को मिल रहा है। मेरा मोबाइल जेब में है क्योंकि प्रशांत जी साथ में है, आसान हो जाता थोड़ा, अच्छे से बातें वगैरह कर पाते की थी। और ये नाग था ऐसा मैंने बोला और नाग ही निकला। सांपों में बहुत सारा फर्क नहीं होता इसलिए ये सब बताना पड़ता है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सांप, बहुत खूबसूरत देखिए। और जाना चाहता है कुछ नहीं, मेंढक खाया होगा, खाया है, देख सकते हैं कि ये है पूरा, इसमें खाया है कुछ। मेरा हैंड ग्लोव है इसलिए मैं आसानी के साथ उसको कवर कर रहा हूँ, और हो सकता है इसमें काटे भी, क्योंकि उसको थोड़ा सा आइडिया नहीं होता कि सही में कैसे काटना है। तकरीबन 2-2.5 महीने का ये सांप बच्चा हो सकता है, थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है क्योंकि ये केंचुले निकालने को आए हैं, थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है। इसलिए मुझे भी जैसे कि मैंने तो नाक पहले ही कहा जब कैमरा शुरू नहीं था, फिर भी डाउट हुआ मुझे भी, क्योंकि बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा सफेद दिखने लगा। हो सकता था कि कौड़ियाला हो, मतलब सांपों का स्किन में रंग फर्क होता है, स्किन ऐसी दिखती है क्योंकि शल्कों से बनी होती है, कलर ब्लैकिश है ना इसका, ब्लैक ही ज्यादा हो चुका है क्योंकि केंचुले निकालने को आया है, पीछे पीछे सरक रहा है। बहुत ही खूबसूरत सांप, बहुत खूबसूरत। आओ यार, आओ, ये थोड़ी गोद में बैठेगा। ये देखो कैसे हरकत कर रहा है, ये देखो कर रहा है, बार बार जाना चाहता है हमसे, दूर जाना चाहता है बार बार, हमें उसको उकसा रहे या उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे। तो किस तरह से हरकतें कर रहा है आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये होता है पलटवार, मतलब हमसे वो कितना डरता है और हमसे जाना चाहता है। हम क्या बताना चाहते हैं, आप जाके सांप पकड़ो हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, ये कहना भी गलत होगा, डर निकालना अलग बात है और सांप पकड़ना अलग बात है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं सांप का पीछा कर रहा हूँ, सांप के पीछे लगा हूँ हाथ धोके, और सांप हमसे दूर दूर जाना चाहता है। ये देखिए मैंने पकड़ा हुआ है और कहा, मतलब ये बदला लेता है बोलते है, कब बदला लेगा, इतना तो डराया है उसको, ये इतना इधर सोच किया है, ये मतलब डर से रहते हैं। आराम से वो मेंढक खा के बैठा हुआ था, 2-2.5 महीने का बच्चा है, मतलब और भी आगे हो सकते हैं। थोड़ा सा ब्लर या ज्यादा ब्लैकिश दिखाई दे रहा है, ब्राउन शेड ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि ये केंचुली निकालने को आया है। ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि सांप सुंदर है और सुंदर दिखता था अगर वो केंचुली निकाला हुआ रहता था। तो सांप ने केंचुली निकालना भी एक वक्त होता है। ये जो सांप है तकरीबन, मतलब हो सकता है कि ये दूसरी बार निकाल रहा हो सकता है पहले 15 दिन में इसने केंचुली निकाला हो, मतलब जब बच्चे होते तब केंचुली निकालने का जो मतलब घोनस में पीरियड रहता है, छोटा रहता है। घोनस में मैंने देखा है कि घोनस पहले 48 घंटे में पहली केंचुली निकालता है, ये देखा हुआ मैं बता रहा हूँ, बहुत बार ऐसा हुआ है। लेकिन लगभग 15-20 दिन के बाद ये 15 दिन लगभग में नाग का बच्चा निकालता है। हो सकता है 15 दिन अगर पहली केंचुली निकाल रहा है तो दूसरी 20 दिन के बाद निकाले, जिस तरह से उम्र बढ़ती रहती है उस तरह केंचुली निकालने का जो फासला है, बीच वाला ये गैप जो है वो बढ़ता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ खाया है इसने, इतनी आसानी के साथ मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने हैंड ग्लोव पहने हुए हैं, इसको आइडिया नहीं है और ये मुझे काट के इसके दांत पहुंचेंगे और जहर चढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब आप जाके इस तरह की हरकतें करो ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते। दर्शक हमेशा देखते रहते हैं, हम भी चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा नजदीक से देखें। वीडियो में काफी बार दोहराते हैं, कभी कभी लगता है कि लोगों ने हमारे पास मंत्र तंत्र है क्या, कुछ जड़ी बूटी लगाई है क्या, क्या कर रहे, यही सच्चाई है, बस आपको स्वीकार करनी है। और हमारे साथ में तब तक मैंने सांप देखा भी नहीं था, प्रशांत जी ने देखा था, तो उनका अनुभव जो हमें वीडियो में देखते हैं, आज तो उन्होंने लाइव देखा है, तो उनका अनुभव क्या है उन्हीं से हम अमित जी से ही पूछेंगे। सांप से डरने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली वो हमसे डरते हैं,
और एक्चुअली हम उनके एरिया में इंक्रोच करते हैं। हमारा पॉपुलेशन आज इतना बढ़ गया है कि जो पहले जंगल था वहां पे आज शहर बस गया है, तो हम उनके एरिया में, वो हमारे एरिया में है नहीं, तो एक्चुअली उनको हम लोग छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर सांप नहीं रहेंगे तो हमारा जो फसल है खेत की वो पूरे चूहे खा लेंगे। सही है सर। तो सांप का ये प्रोटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, और मैंने सर के वीडियो देख के मेरे ये सब समझ में आया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बंद नहीं कर रखते नहीं प्रॉपरली, तेव्हा कधी तरी गेला असं फर्स्ट टाइम आला असला ते पाटीमगर शेती आहे त्याच्यामध्ये येते एनोड गंजा नाही मम्मी आता आयडिया आले सकाळ पटकन ही ऍक्च्युअली पिंपरी चिंचवड मधून आलो आहे। तो आपण म्हणतो ना सिंध क्रेट, म्हणजे जो अफगाणिस्तानात सापडतो कमी आहे तो, तो फक्त पिंपरी चिंचवड मध्ये सापडतो, भारतात ओरिसा थोडासा राजस्थान आणि पिंपरी चिंचवड कुठे नाही सापडत। सही आहे, जबरदस्त ते नागच असतो बघ, दिसलो तो बने रहिए, इसी तरह जुड़े रहिए, और ये कहानी जो है खत्म नहीं होती है, ये मिशन है। जब तक डर खत्म नहीं होता, जब तक डर, मतलब इस देश को हम डर से मुक्त नहीं करते, तब तक ये सफर जारी रहने वाला है। बिल्कुल आसान लगता है हम सीखने के बाद, आपको भी ऐसा ही लगेगा, थोड़ा वक्त जाना चाहिए और आप इस सत्य को स्वीकार करने की मानसिकता बनाना चाहिए। बाकी का काम करते रहेंगे, आपको वीडियो के द्वारा हो, आपके आस पड़ोस में साफ हो, वो आपको खुद सिखाना कुछ चाहते हैं, हमें बस समझने की देरी है। तो इस उम्मीद के साथ यहाँ पर तो रुकते हैं, लेकिन वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके पहुँचाइएगा, ताकि इस तरह की कहानी ये सांप उन तक पहुँचे और उनका डर दूर कर सके। डर दूर करने का और जानकारी देने का ये सफर इसी तरह से जारी है। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैली अभी बड़ी है, छोटी जाता शुक्र है खाया, उसने उगाला नहीं ना, नहीं निकाला बिल्कुल। यही होता है छोटे सपों में, कुछ पता ही नहीं रहता क्या क्या करना है।